हो चुकी है। अब मैं इसमें लास्ट में ऐड करूंगी आधा नींबू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हम लोग भी ठीक ठाक ही है। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रेसिपी और बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बच्चों को बहुत ही फेवरेट है और मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद है। तो वो क्या है तो आप लोगों को मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे कुछ न्यू सब्सक्राइबर जो अभी अभी मेरे परिवार के साथ ज्वाइन मतलब परिवार में आए हो, तो आप लोगों को मोस्ट वेलकम मेरे चैनल पर, जो आप लोग मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो। तो चलिए, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का न्यू रेसिपी क्या है आपको पता चलेगा डायरेक्ट किचन में। तो चलिए पहले किचन में चलते हैं। गाइस, यहाँ पर मैं एप्पल ली हूँ। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एप्पल का क्या करूँगी, तो मैं यहाँ पर आज बनाने जा रही हूँ एप्पल जैम, जो कि मेरी बेटी को जैम बहुत ही पसंद है। और आज आप लोगों को पता भी है कि बाहर का जो खाना है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, और वैसे भी जैम में आपका कलर्स भी डाला जाता है। तो इसीलिए तो मैं आज सोची कि ना चलो जैम का रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूं, और मेरी बेटी को पसंद है तो इसीलिए मैं उसके लिए मैं एप्पल जैम बना रही हूं, क्योंकि वो अभी स्कूल में रोटी जैम या पराठा जैम ऐसे लेकर जाती है। तो इसीलिए तो आप लोग भी घर पर ही ऐसा ही घर पर बनाइए, एप्पल जैम हो या पाइनएप्पल का हो या मैंगो का। वैसे अभी तो मैंगो का सीज़न चला गया है, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्पल जैम, और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए आपको वीडियो में पूरा कंटिन्यू देखना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पर ना मैं एप्पल ली हूँ। तो ये 1 किलो का एप्पल है, तो 1 किलो में ना एक्चुअली 2-3 मतलब 2 एप्पल इसमें हम लोग यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, बाकी इतना सा बचा हुआ है। तो इस एप्पल से मैं बनाऊँगी जैम। तो पहले एप्पल को अच्छी तरह से धो लीजिए। तो अब इसको ना इसको पूरा हम इसके क्लीन करेंगे। आप चाहे तो इसका छिलका रख कर भी आप इसका जैम बना सकते हैं, पर मैं अगर आपको एडवाइस दूँ तो आप इसको अच्छी तरह से साफ़ करके आप इसका जैम बनाइए। तो अब इसे हम अच्छी तरह से इसका छिलका निकाल देंगे। तो बस ऐसे ही इसको अच्छी तरह से सारी एप्पल्स का हमें छिलका निकालना है। तो सारा छिलका निकाल चुकी हूँ, अब इसको ना कट करूँगी मैं। इसको कट करेंगे और जो बीज का जो बीज है उसको हम निकाल देंगे। बस इसको छोटा छोटा ऐसे कट करना है। आप चाहे तो इसको ना कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर मैं इसको कट करके ही करूँगी। तो गाइस, यहाँ पर मैं सारा एप्पल को अच्छी तरह से कट कर चुकी हूँ। तो तो यहाँ पर ना पैन गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे एप्पल। इसमें आप कुछ भी घी भी कुछ नहीं डालना है, बस ऐसे ही इसको पैन में इसको इस तरह से गरम होगा तो इसको हम 15 मिनट ढक कर पकाएंगे इसको अच्छी तरह से। तो गाइस, ये हमारा एप्पल ना बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अभी मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आराम से कट हो रहा है और अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से पेस्ट करूँगी। तो गाइस, मैं इसमें अच्छी तरह से इसको मैश कर दी सारे एप्पल्स को, और ये बहुत ही अच्छा से सॉफ्ट होकर बहुत ही अच्छे से ये मैश हो चुका है। अब मैं इसमें ना चीनी ऐड करूँगी।
और इसको अच्छी तरह से हमें पकाना है, जो चीनी और एप्पल का जो घोल है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे दालचीनी और एक इलायची। आप चाहे तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। और मैं अगर एडवाइस भी दूँ तो आप कलर ऐड ना करें, वैसे भी ये ऐसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब इसको थोड़ी देर और थोड़ी से पकाना है इसको। ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी आधा नींबू। इसमें ये चला गया, तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको पकाना है। तो फिर हमारा ये एप्पल जैम बनके तैयार हो चुका है। तो गाइस ये रहा हमारा एप्पल जैम बनके तैयार हो चुका है। एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी हुई है और बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना है, क्योंकि मैं पहले भी बना चुकी हूँ और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें मैं कुछ भी कलर ऐड नहीं की हूँ और दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस मेरा यहाँ पर एप्पल जैम बन चुका है और इसको मैं अभी ठंडा करने के लिए यहाँ पर छोड़ दूँगी और बाद में इसमें बॉटल में डालूँगी जैम को, क्योंकि अभी बहुत ही गर्म है। और हाँ, आप इसको ना महीने भर रख कर खा सकते हैं, और इसको आप फ्रिज में ही रखें, और क्योंकि बाहर नहीं, बाहर रखने से ख़राब हो जाएगा। आप फ्रिज में ही इसको रखेंगे और रखने के बाद आप इसको महीने भर आप खा सकते हो। सच में बहुत ही अच्छा बना है, यम्मी। तो गाइस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए मैं आपको फिर दोबारा मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग, न्यू रेसिपी, न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय एंड टेक केयर।